दोस्तों, ये आपके सामने अब्जॉर्प्शन चिलर है। इसके फ्लेम सेंसर का एरर आ रहा है, ये आप देख रहे हैं। इसका हम चेक करेंगे फोटोसेल। ये आपके सामने फोटोसेल लगा हुआ है, इसको किस तरीके से चेक कर सकते हैं ये वाला सेंसर जो आपके मेन फ्यूल को ऑन लाइन को ओपन करवाता है। हम इसको पैनल से ऑन करेंगे। पैनल से ऑन करने के बाद हम इसको बाहर एक्सटर्नल चेक करेंगे कि आपका फोटोसेल सेंसर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब हम चिलर को ऑन कर लेते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, हम डिस्प्ले से इसको ऑन किया। इसका ये आप देख रहे हैं, ये कंट्रोलर लगा हुआ है जिसके ऊपर स्टैंड बाई लिखा हुआ है, पर्ज लिखा हुआ है, इग्निशन, पायलट, मेन मॉड्यूल, फ्लेम ऑन, ये सारी वो चीजें हैं। इसके ऊपर मैं कंप्लीट से अलग से वीडियो बना देंगे अगर आप कहेंगे। बेसिकली अब हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि भाई आप इसको फ्लेम सेंसर को किस तरीके से चेक कर सकते हैं कि भाई फ्लेम सेंसर अगर आपका ठीक काम नहीं कर रहा होगा तो आपका फ्लेम फेलियर का एरर आएगा। तो अभी ये आप देख रहे हैं अग्निशन के पर्च के ऊपर है, फिर इसके बाद अग्निशन होगी। अग्निशन क्या होती है, पायलट के ऊपर आएगा जब। तो पायलट के ऊपर अगर आपका फोटोसेल सेंस नहीं करेगा आपके पायलट की लाइट को, पायलट की लाइट से मुराद है कि जो लो फायर हो, बिल्कुल पायलट ऑन होता है जिससे, उसको आपका फोटोसेल सेंसर सेंस करता है। जब वो सेंस करता है तो ये मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर लगे हुए हैं, वो इनको कमांड देता है आपके ब्लोअर की मोटर को। इसके ऊपर ये मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर, 5-6 मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर लगे हुए हैं जिसके आपके रेफ्रिजरेंट पंप है, सॉल्यूशन पंप है, उसके अलावा आपके बर्नर की मोटर है, फिर आपका एक डीजल की मोटर है, वाटर डीजल सर्कुलेशन की मोटर है। तो ये वो, और ये जो रिलेज लगी हुई है ये बेसिकली आपके कंट्रोलर की। ये आप देख रहे हैं, ये हमारा फ्लेम का अलार्म आ गया। अब ये आप देख रहे हैं, ये अलार्म आ गया। तो अब हम इसके फोटो सेल को बाहर रख के चेक करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं आपको पहले बता दूं कि ये जो लूअर्स हैं, जब आपके 100% ओपन होके और फिर उसके बाद 100% ऑफ होते हैं, फिर आपका पायलट ऑन होता है। जब आपका पायलट ऑफ, ये लूअर्स ऑफ होंगे बर्नर के, तब आपका पायलट ऑन होगा। पायलट ऑन होने पे आपका फोटोसेल वो कमांड देगा आपके मेन फ्यूल की जो लाइन है उसको, वाल्व को, सोलिनॉइड वाल्व को, तो वो सोलिनॉइड वाल्व खुल जाएंगे। तो ये आप देख रहे हैं, ये अब हमारे ये 100% क्लोज की तरफ जा रहे हैं। प्री फायर भी इसको बोलते हैं। प्री फायर के बाद आपका पायलट ऑन होगा, अग्निशन ऑन होगी। अग्निशन यानी कि आपके जो प्लग हैं उनको स्पार्क मिलेगा, देन आपके जो लो पायलट है वो ऑन हो जाएगा। लो पायलट या देख रहे हैं, ये अब लूअर्स बंद हो गए हैं। इसके बाद हम सेंसर को खोल लेते हैं, सेंसर को उतार लेते हैं, क्योंकि हमने इसको एक्सटर्नल चेक करना है बाहर। तो हम जल्दी से इसका फ्लेम सेंसर, इसके 100% बंद होने से पहले आपने इसके फोटो सेल के सेंसर को उतार लेना बड़ी एहतियात से, क्योंकि ये ग्लास बिल्कुल, अगर ये हिट हो गया तो ये टूट सकता है। तो ये आप देख रहे हैं, अब हमें इसके लिए एक कैंडल की जरूरत होगी। जो आपका पायलट ऑन होता है वो 4-5 सेकंड के लिए ऑन होता है, तो उस दौरान आपने क्या करना है, आपने इसके, ये आपके सामने, अगर हम इसके सामने लाइट करते हैं तो ये आप देख रहे हैं फोटो सेल सेंसर के अंदर लाइट ऑन हो रही है। तो इसका क्या मतलब है, अगर ये लाइट ऑन नहीं होती तो आपका फोटो सेल सेंसर खराब है। तो आप ये देख रहे हैं, हमने इसको बंद किया तो ये हमारी फोटो सेल सेंसर की लाइट भी ऑफ हो गई। तो इसको आपने पायलट के दरमियान रख के, अगर आपका चिलर ऑन हो जाता है, आपका मेन फ्यूल के वाल्व खुल जाते हैं, तो इसका मतलब है कि भैया आपका फोटो सेल सेंसर ओके है। अगर आपकी इनपुट नहीं देता ये सेंसर तो फिर आपका ये सेंसर खराब हो चुका है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को लाजमी प्रेस करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी जो कंप्लीट वर्किंग है, आपके बर्नर जो आपके चिलर्स में भी होता है और आपके बॉयलर्स के अंदर भी होता है, इसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर लाजमी करें। नेक्स्ट वीडियो में इसके बर्नर की वर्किंग के ऊपर बना दूंगा।